universe inside you. So won't you wake up now and see? Don't hide away the things you're feeling. Unlock your mind and lose the key. There's a universe inside you. You should never have to hide. I can see the stars inside you. Please just open up your eyes. अभी देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कानपुर में हूँ, और कानपुर में यहाँ पर जो प्राचीन यहाँ पर जो मंदिर है कानपुर का, गुप्तकालीन मंदिर है, और इस मंदिर को इष्ट का मंदिर भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं ट्रैवल करने के लिए आई हूँ, यहाँ पर विजिट करने के लिए आई हूँ। यहाँ पर ये जो पॉइंट है इष्ट का मंदिर गुप्तकालीन का, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर आने के लिए कानपुर आप लोगों को आना पड़ेगा, कानपुर स्टेशन आना पड़ेगा। फिर कानपुर स्टेशन से भीतर गाँव जब आओगे तो भीतर गाँव के अंदर ही ये मंदिर है, जो मंदिर दिख रहा है। तो ये जो मंदिर तुम लोगों को दिख रहा है, इसका नाम इष्ट का मंदिर है। और ये मंदिर ऐसा मंदिर है कि बोलते हैं कि पूरे भारत में ईंटों का जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मंदिर जो और जगह और जो डेस्टिनेशन में भारत में जो बने हुए हैं, वो जो मंदिर हैं, तो वो जो है ईंटों के मंदिर नहीं बने हुए हैं, पत्थर के बने हुए हैं या और भी मटेरियल से बनाए हुए हैं। लेकिन ये जो मंदिर है पूरे भारत में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि 2010 में यहाँ पे जो पुरातन तत्व के जो अधिकारी थे उन्होंने जो इसको सर्च किया है, फिर इसको यहाँ पर अब लेकिन टूरिस्ट स्पॉट हो गया है। तो ये बहुत ही प्राचीन है, तो इसलिए मैं इसको देखने के लिए अब की बार कानपुर आई हूँ। यहाँ पर विजिट करने के लिए मैंने इसके बारे में काफ़ी कुछ सुना था, तो इसीलिए मैं देखने के लिए आई हूँ। आई होप तुम लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तुम लोग कभी भी कानपुर आना तो भीतर गाँव के अंदर ये मंदिर डेस्टिनेशन देखने ज़रूर आना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। इस टेंपल को जो है मानसून टेंपल भी बोलते हैं। इस टेंपल के द्वारा जो है बारिश कम होने वाली इसका अनुमान लगाया जाता है। इसमें जो छोटी छोटी बूंदें ऊपर दिखाई दे रही हैं पानी की, तो इसमें बताया जा रहा था कि 8 दिन बाद बारिश होगी। ये भारत का फेमस टेंपल है, पूरे भारत फेमस टेंपल है। इसमें काफ़ी रिसर्च भी कर चुके वैज्ञानिक लोग। इसमें पानी की बूंदें ऊपर दिखाई दे रही हैं, इसमें दिखाई दे रहा है कि बारिश अब कम होने वाली। यहाँ पर बता रहे थे कि 8 दिन बाद यहाँ पर बारिश होगी। इस मंदिर को देखने के लिए तुम लोग ज़रूर आना यहाँ पर देखने के लिए। भारत का रुकिए इकलौता मंदिर मानसून का है, और तीसरी जगन्नाथपुरी है, और जितनी भी ये इसमें कलाकृतियां जो मंदिर में पत्थर के ऊपर बनी हुई हैं, इसकी उम्र और ये स्टेज भगवान का, इसकी उम्र है 4200 बरस। ये हमारे उत्तर भारत का पहला मंदिर है, इससे पुराना कोई दूसरा मंदिर नहीं है। और जो स्तूप बना है बाहर से मंदिर, ये जीर्णोद्धार मंदिर है, जीर्णोद्धार में बना हुआ है। उसकी उम्र है मंदिर की 1883 साल। ये इसकी बायोडाटा है, और ये सरकार के अनुरक्षित है, ये गवर्नमेंट के अंडरग्राउंड में है, ये इसकी पूरी इतिहास है। तो कानपुर के बेटा बुजुर्ग में यहाँ पर जो है मंदिर है, यहाँ पर जगन्नाथपुरी का, जहाँ पर जो है मानसून मंदिर भी बोलते हैं यहाँ पर। और आने के लिए जब मानसून आता है तो यहाँ पर 8 दिन पहले यहाँ पर बूंदे आ जाती हैं। ये हमारे साथ गाइड थे, इनका नाम देवी प्रसाद इनका नाम है, और इन्होंने पूरा अच्छे से मुझे मंदिर के दर्शन करवाए, पूरी इन्फॉर्मेशन भी दी। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखो, अच्छे से लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और इन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी इस मंदिर को दिखाने में, काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी। आप लोग भी इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आप लोगों को मिल गई होगी।
मंदिर के बारे में, और इस मंदिर को विजिट करने के लिए ज़रूर आओ। और जब भी आप विजिट करने आएंगे तो अभी फिलहाल ये यहाँ पे ड्यूटी करते हैं यहाँ पर, तो ये आपको ज़रूर मिलेंगे देवी प्रसाद जी। जी सर ठीक है, बाय। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.